मैं अब स्वागत करना चाहता हूँ मसूरी गागराई जी, आप आशा वर्कर हैं और नमस्कार, जय जोहार, क्योंकि आप झारखंड से हैं, तो लाओजोरा गांव है आपका, ये 45 किलोमीटर दूर है जो जिला मुख्यालय है वेस्ट सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम झारखंड से, और आशा वर्कर्स को झारखंड में क्या कहते हैं, सहिया दीदी कहते हैं जी। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, आप आशा बहन बनने से पहले 2019 में आप काफी चिंतित रहती थी लोगों के पोषण के लिए, कि कुपोषण के शिकार ना हो बच्चे, माएं ना हो, और इसको लेकर के एक चीज वहां पर बड़ी रोचक है, उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, न्यूट्रिशन वॉरियर, कि लोग जैविक रूप से अपने ही आंगन में सब्जियां उगाएं और फिर क्लाइमेट के हिसाब से जो सब्जी है वो, ताकि उनको पोषण भी मिल जाए और सब्जियां भी उग जाएं, ये एक मुहिम आपने इसकी शुरुआत की, इसके बारे में जरा बताएं। अमिताभ सर जी को पहले मैं झारखंडी जोहार से स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जब नया हमारे गांव में शादी होकर के आए थे, तो हम सोचते थे कि हमारे गांव में ही ऐसे बच्चे क्यों हैं, दुबले पतले, माँ बाप उन लोग को ध्यान नहीं देते हैं। बाद में पता चला कि कुपोषण नाम का बीमारी भी है जो बच्चों में होता है, तो फिर हम लोगों को ये चीज के बारे में दादा लोग बताएं और हम लोगों को ट्रेनिंग दिए इस विषय में। बच्चा का हम लोग जांच करते हैं और उस जांच में अगर बच्चा रेड में आता है तो कुपोषित रहता है, तो इसको हम लोग इलाज के लिए हम लोग अस्पताल हम लोग इसको ले जाएंगे। तो फिर दीदी लोग ये चीज भी मानने के लिए तैयार नहीं थी और हम लोग को बात करने भी नहीं आता है, तो फिर हम लोग क्यों जाए, अस्पताल नहीं जाएंगे, हम लोग जैसे तैसे भी करके हम लोग ठीक करेंगे, नहीं जाएंगे बोलते थे। फिर हम लोग SHG ग्रुप मिल के फिर दीदी लोग को समझाते थे, फिर वहाँ पर बच्चा का इलाज करवाएं, फिर वो बच्चा स्वस्थ होके आए। और रहा पोषण का, जो हम लोग जैसे कि हमारे गांव में बहुत सारे चीज हैं खाद्य पदार्थ में, जैसे कि हमारे मौसमी फल हुआ, वो सारा चीज भी बच्चे लोग को नहीं देते हैं, वो बेचते थे लेकिन बच्चे लोग को देते नहीं थे। तो फिर हम उसके बारे में भी दीदी लोग को समझाएं कि जैसे कि हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि अमरूद हुआ, मौसमी फल, हम लोग का सीजन सीजन में जो फल आता है वो चीज भी बच्चा लोग को खिलाना है। हम लोग का जो पोषण वाटिका है उसको हम लोग, जैसे कि हम लोग अगर आंगन में जो थोड़ा सा जगह बचा हुआ है उस जगह में हम लोग दीदी लोग को बोलते हैं यहाँ थोड़ा सा भिंडी लगाइए या फिर करेला कद्दू का लगाइए, वो चीज हम लोग अपना बच्चा लोगों को खिलाएंगे ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। पहले से अभी बहुत कम है बच्चे कुपोषित में, और हमारे जो जितने बच्चे कुपोषित थे वो सारे बच्चे अभी ठीक हैं।